दोस्तों कैसे हो, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ARV ब्रदर्स। काफी सारे भाई बंधु हमारे ब्रेक को लेकर बड़े परेशान होते हैं यार। ये जो वीडियो होने वाली है ब्रेक के ऊपर होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बारे में कि आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो भाई ब्रेक को लेकर कभी परेशानी नहीं होगी आप। कभी कभी होता ब्रेक से डलवा लेते हैं, ब्रेक प्रॉपर काम नहीं करती, बहुत ज्यादा हार्ड लगती है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है और इस वीडियो में यही जानकारी मैं देने वाला हूँ। फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट पे आऊंगा और कमेंट आपकी पढ़ूंगा और आपको देखूंगा क्या आप लिख रहे हो और मैं उसमें आपको लिखूंगा रिप्लाई में। ठीक है, फटाफट नीचे आ जाओ, जल्दी सोचो मत। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम गाड़ी में डिस्क पैड आके के डलवा लेते हैं, मैं डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी की बात करूंगा पहले, उसके बाद ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी की बात करूंगा, दोनों गाड़ियों की बात करूंगा। और मैं यहाँ पे यह बताऊंगा, जैसे मान लो अपने ब्रेक्स सब डलवा लिए हैं, उसके बाद भी आपकी ब्रेक काम नहीं कर रही है, ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। ये नहीं बोलूंगा डिस्क ब्रेक का प्रेशर ऐसा बनाओ वैसे बनाओ वैसे बनाए, फालतू बात ही नहीं। तो अभी मैं आपको बात करूंगा आपकी डिस्क ब्रेक, आपकी गाड़ी का सब कुछ ओके है, आपने डिस्क पैड डलवा लिए, सब कुछ डलवा लिया, तो दो तीन बातें बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक बिल्कुल ठीक है और आपने गाड़ी वॉशिंग कराई, वॉशिंग कराने के बाद पॉलिश करवाई, उसके बाद डिस्क ब्रेक कम काम कर रही है या प्रॉपर काम ही नहीं कर रही, तो आपकी गाड़ी की डिस्प्लेट जो होती है, डिस्प्लेट कभी कभी क्या होता है, हमारे जो पॉलिश वाले बंदे होते हैं वो इस डिस्प्लेट पर भी पॉलिश लगा देते हैं, जिस वजह से पॉलिश लगने से आपकी डिस्प्लेट बिल्कुल चिकनी हो जाती है और डिस्क पैड पर वो चिकनाहट आपके डिस्पैड पे चले जाती है और आपकी गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। ब्रेक लीवर प्रॉपर काम करता है, ब्रेक दबता भी है बट व्हील आगे का बिल्कुल नहीं रुक पाता, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और चिक चिक किचकिचाहट की आवाज़ आती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी गाड़ी पर आपको समझ जाओ कि हाँ डिस्पैड पर एकदम मतलब जो उसकी एक चिकनाहट है वो जम गई है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के ब्रेक हार्ड लग रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ मैं आपको बता दी है। दूसरी चीज़, कभी भी आप गाड़ी की ऑयलिंग या लुब्रिकेशन करते हो या WD-40 स्प्रे यूज़ करते हो या कोई भी ऐसा लुब्रिकेशन पार्ट जो आपको लगता है मेरी गाड़ी में यूज़ कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेट पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आपको। ओके, तीसरी चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी गाड़ी में डिस्प्लेट डलवा ली है, आपकी गाड़ी की जो डिस्प्लेट है, डिस्प्लेट उसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए। मैं होती डिस्प्लेट में दिखाता, मैं गाड़ी में दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, गाड़ी में दिखाऊंगा, डिस्प्लेट पर स्क्रैचेस आ गए, गड्ढे पड़ गए, लाइन आ गई है लाइन, तो उसको आपको ठीक करना है। अब आप रेगमाल मार रहे हो, रेगमाल सैंड पेपर यूज कर रहे हो दो हाथों से, तो भाई सैंड पेपर अगर आप दो उंगली से यूज करोगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा उन निशानों को गायब करने में। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं, बहुत काम आएगी आपके और बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी आपको, मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले नहीं सबसे एंड में, इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आप देखोगे तो वो ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, उस ट्रिक को अपनाना उसकी वजह से आपकी डिस्प्लेट बिल्कुल एकदम नई हो जाएगी, एकदम न्यू हो जाएगी, आपको डिस्क ब्रेक से छुट्टी हो जाएगी। सिंगल साइड एक साइड से भी आप डिस्प्लेट को प्लेन कर दोगे तो आपकी गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी, एकदम बढ़िया काम करेगी। ओके, अब यहां बात करते हैं आपके, जैसे मान लो चलो आपकी गाड़ी का आगे का टायर डिस्क ब्रेक वाला है। ओके, अब आप पंचर लगवाने जा रहे हो अपनी गाड़ी में, आपकी गाड़ी के आगे के टायर में ट्यूब डली हुई है, तो जो पंचर बंदा लगाता है, कभी कभी क्या होता है जो पंचर वाले बंदे होते हैं उनको ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता डिस्क ब्रेक के बारे में, वो क्या करते हैं डिस्क प्लेट की साइड से उसको जमीन पर रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और ट्यूब निकालते हैं। आपने देखना कभी, नोटिस करना, पता लग जाएगा। तो डिस्प्लेट का जो हिस्सा है वो फर्श पर जब टकराता है और बंदा जब ऊपर चढ़ता है और ट्यूब निकालता है, तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी के डिस्प्लेट में टेढ़ापन आ जाता है, उस टेढ़ेपन की वजह से हमारी गाड़ी की डिस्क ब्रेक में दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कभी भी आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी काम कर रहे हो तो आपको एयर का बोल्ट बिल्कुल नहीं खोलना है। डिस्क ब्रेक में एक एयर का बोल्ट होता है, यहां पर होता है एयर का बोल्ट 11 नंबर का। अगर डिस्क ब्रेक बिल्कुल ठीक है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्क ब्रेक ऑयल को चेंज करना चाहता हूं, तो काफी भाई बंधु ऐसे होते हैं डिस्क ब्रेक का ऊपर का बोल्ट खोलते हैं, नीचे का बोल्ट खोलते हैं 12 नंबर का, और सारा ऑयल दबा दबा के सारा ऑयल निकाल देते हैं और बाद में ऑयल डालते हैं, ऊपर प्रेशर बनाने में परेशान हो जाता है। ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत नुकसान होता है। डिस्क ब्रेक में हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल देना है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की ब्रेक जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगी और कुछ टाइम बाद जो ऊपर आपने ऑयल डाला वो सारा नीचे आ जाएगा और आपकी गाड़ी का प्रॉपर तरीके से फ्लो बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिस्क ब्रेक से रिलेटेड ये जो बातें बताई हैं मैं आपको बहुत काम आएंगी। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सर्विस कराते टाइम जब गाड़ी वो वॉशिंग करता है बंदा, तो उस वॉशिंग वाले बंदे को एक चीज़ ध्यान से बोलनी है, वो ये कि जब भी वो सर्विस करता है उसका जो प्रेशर होता है पानी का प्रेशर, वो यहाँ अंदर कोने में जरूर लगवाना है। यहाँ पानी को, ये प्रेशर को कोने में जरूर लगवाना है अंदर की तरफ। अंदर क्या होता है, गंदगी भरी होती है हमारी गाड़ी में, डिस्क ब्रेक में गंदगी भर जाने से कुछ टाइम बाद उसके जो पिस्टन होते हैं वो जाम हो जाते हैं और आगे का ब्रेक जो है, व्हील जो है, वो जाम होने लगता है, हीट होने लगता है। आप अगर एक मैकेनिक हो या फिर आप एक मतलब ड्राइवर हो, जो मतलब ड्राइव करते हो बाइक को, राइडर हो, तो आपके साथ कभी ना कभी अगर हुआ है ऐसा कि आपकी गाड़ी में रस्ते में व्हील जाम हुआ है और आप फंस गए हो, बहुत परेशान हो,
अगर ऐसा हुआ है तो यार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप एक मैकेनिक और आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी ही गाड़ी में कहीं डिस्क ब्रेक का पहिया जाम हो गया और आप रस्ते में कहीं जुगाड़ उगाड़ करने पर लगे पड़े हो, अगर ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा उसे, मैं देखूंगा हाँ वाकई में होता भी है आप लोगों के ऐसी, बस ठीक है ये चीज़ बताना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। बाइक के डिस्क ब्रेक के अंदर नॉर्मल बाइक में डॉट थ्री ऑयल यूज़ करना है, डॉट थ्री मैं दिखा देता है नहीं, डॉट थ्री DOT.3 ऑयल यूज़ करना है, KBX या फिर इंडोरेंस का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैस्ट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो, डॉट थ्री ऑयल। ब्रेक ऑयल लाल कलर हो या पीला कलर हो या गोल्डन कलर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको डिस्क ब्रेक में डॉट थ्री ऑयल यूज़ करना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, डिस्क ब्रेक का प्रॉपर ऑयल ना डालकर मशीन का तेल डाल देते हैं, जो कारीगर वाली मशीन होती है उसका तेल डाल देते हैं। भाई ऐसा ना करें, इससे आपकी गाड़ी की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, बहुत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या नुकसान होगा आपका, कभी भी अपनी गाड़ी में अगर आप मास्टर सिलेंडर का काम करा रहे हो, डिस्क ब्रेक के ऊपर का काम करा रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, उसका जो ऑयल होता है, जो ऑयल्स का ऑयल होता है, वो तुरंत के तुरंत जब गाड़ी की छींटे पड़ जाती हैं ऑयल की, तो वो साफ़ करवा लो। अगर ऐसा आप नहीं करते हो, वो ऑयल थोड़ी देर तक रह जाएगा, तो आपकी गाड़ी के टंकी के ऊपर लग गया है, तो टंकी का पेंट फूल जाएगा, टंकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी डिस्क ब्रेक से रिलेटेड, ओके। अब मैं बात करता हूँ हमारी गाड़ी में, मान के चलो जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं जैसे मान लो ये है, अब जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे गड्ढे टाइप के, ये लाइन दिख रही होगी। अगर अब मान के चलो ये बहुत ज़्यादा चिकनी हो गई है, देख लो बहुत ज़्यादा चिकनी है, बहुत ज़्यादा चिकनी है। अगर ये इतनी चिकनी हो गई है और डिस्प्लेट आपने डलवा लिए हैं, ब्रेक काम नहीं कर रही है, तो आपको करना क्या है, आपको रेगमल मारना है। अब रेगमल आप मारोगे तो यार काफ़ी टाइम लग जाएगा रेगमल मारने में, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक प्रॉपर सही तरीके से होने में बहुत टाइम ले लेगी आपका। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर मान लो आपके पास ग्राइंडर है, ये ग्राइंडर आपके पास नहीं है तो बिजली वाले से अरेंज कर लेना, ये ग्राइंडर लेना और ये 25 रुपये का एक पत्थर आता है ग्राइंडर से, इसमें रेगमाल लगा होता है, ये लेना और इसको इस तरीके से अपने ये बटन दबाना, ऐसे करके इसको दबाना है, इसको लेना और खोलना और ये निकाल लिया हमने, और मैं आपको दिखा रहा हूँ आप समझना, ये लेना इसको इस तरीके से यूज़ करना और ये इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लूज बोल्ट इसको ऐसे करके घुमाना है और बोल्ट टाइट करना है, ये टाइट कर दिया, ठीक है। अब हमारी चटकनी ऑन करनी है, हमें ऑफ करके काम करना है, ऑन है ये और ये देखिए, अभी मैं 2 मिनट बोलूँगा नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा, ओके। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसको देखो आप, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये पहले इतना ज़्यादा चिकना था, ये गड्ढे थे इसके अंदर, और अब देखिए कैसा हो गया है, खुरदरा हो गया है। अगर ऐसा होगा ये, तो आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। जैसे मान लो आपने गाड़ी खरीदी नहीं, तो आप जब गाड़ी नहीं खरीदोगे तो उसकी जो डिस्प्ले चेक करोगे आप, ये डिस्प्ले ना हीट हो जाते हैं, हीट हो के ये पीली पड़ जाती है, देख रहे हो हीट हो रखी है, क्योंकि गाड़ी के जब ब्रेक प्रॉपर तरीके से 80 की स्पीड में पकड़ते हैं तो ये हीट हो जाती है, लोहे की तो स्टील की तो प्लेट होती है यार ये, तो ये हीट इसकी खत्म करने के लिए हमें ऊपर से हल्का सा रब करना पड़ता है रेगमाल से, सैंड पेपर से, और इसके बाद उसका ऐसा निखार आता है, ये देख रहे हो, ये हल्का मारना है आपको, पूरी जान लगा के नहीं मारना, अगर पूरी जान लगा के मार दोगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा गड्ढा पड़ जाएगा, फिर आपकी गाड़ी में यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से कम, तो हल्का हल्का मारना, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से, ताकि आपकी गाड़ी के ब्रेक एकदम परफेक्ट हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो अपनी गाड़ी के ब्रेक मारने में। अब आपके काफ़ी के लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि भाई इसके पीछे कैसे करें, इसके पीछे कैसे करें, तो भाई पीछे करने की जरूरत नहीं है, फ्रंट फ्रंट से आप कर सकते हो, आपकी गाड़ी का काम चल जाएगा। काफ़ी सारे भाई होते हैं जो परेशान होते हैं ब्रेक को लेकर, तो सिर्फ फ्रंट से भी करोगे तो ब्रेक एकदम परफेक्ट हो जाएगी, और एक जब ब्रेक काम करने लग जाती है तो आपकी गाड़ी का परफेक्ट हो जाता है सब कुछ। और वैसे भी डिस्क ब्रेक होते हैं, डिस्क ब्रेक में आपका इस साइड का पैड ही सबसे ज़्यादा घिसता है, उस साइड का पैड बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कम घिसता है, ओके, क्योंकि पिस्टन इस साइड होते हैं, ये पिस्टन इस साइड है, उस साइड पिस्टन नहीं है, जिधर जिस साइड पिस्टन होता है उस साइड का पैड बहुत ज़्यादा जल्दी घिसता है, क्योंकि यहाँ से प्रेस करते हैं ये पिस्टन, आप देख रहे हो ये पिस्टन होते हैं इसके अंदर। और मैं इसमें हवा मारने के लिए, पानी मारने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसके अंदर गंदगी भर जाती है, जब हमारे व्हील चलता है ऐसे करके घूमता है तो इसमें गंदगी भर जाती है, जिस चक्कर में हम साफ नहीं कर पाते, और ये हमारे जो अंदर पिस्टन होते हैं जंग लग के खराब हो जाते हैं और जाम हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना, जब भी आप गाड़ी वॉश करा रहे हो तो इसके अंदर प्रेशर भर के मारना है, भर भर के मारना है, गंदगी साफ हो जाए, पानी में जितना ज़्यादा साफ होगा उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। और एक चीज़ और होता है, हर 10,000 किलोमीटर पर आपको अपनी डिस्क ब्रेक की रबड़, ये वाली रबड़
और एक ये वाली रबर, ये दोनों चीज़ें चेंज करानी है। इससे क्या होता है, इन फ्यूचर में आपकी गाड़ी में जो कमी आने वाली है वो कमी नहीं आती है, एकदम बढ़िया रहती है आपकी गाड़ी। तो मुझे कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहो। अभी इस वीडियो में क्या जानकारी मिली है कमेंट करके बताना। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है कि आपकी गाड़ी के रास्ते में व्हील जाम हो गया हो और आप बहुत परेशान हो गए हो, कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको देखना चाहता हूँ कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और आगे फ्यूचर में ना हो मैं यही उम्मीद करूँगा ऊपर वाले से और आपसे, और आपके आपके लिए मनोकामना करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू, ऑलवेज सपोर्ट मी।